इसमें भी इकट्ठे हुए। महाठगबंधन उस समय भी बना, आज प्रत्यक्ष तौर पर महाठगबंधन नहीं बना, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी खड़े, वहां कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया। जहां सुहेलदेव पार्टी से मुख्तार अंसारी लड़ेंगे, वहां सपा अपना कैंडिडेट नहीं देगी। ये सब अंदर खाते मिले हुए हैं और इनके खाते सील करने का काम जनता करने का मन बना चुकी है। इनका पहले भी सफाया किया है, इनको आगे भी सफाया ही करेंगे। सफाई नहीं, सफाई चाहते हैं। सफाई बहुत होली नाच गाना, अब लोग अध्यात्म के माध्यम से रोजगार से रोजगार के अवसर चाहते हैं, जो प्रदेश का विकास है उसको आगे और बढ़ता देखना चाहते हैं। अनुराग जी, यदि 2022 में सरकार आपकी बनती है तो बुनकरों की बड़ी समस्या है यूपी में, क्या उनके लिए फ्लैट टैक्स की बिजली फिर से चालू हो जाएगी? आपने संकल्प पत्र गिनाया लेकिन बुनकरों के लिए कुछ नहीं। उसमें अगर आप डिटेल में देखेंगे तो हर जगह पर, जैसे कानपुर में लेदर पार्क की बात कही, जितने एक्सप्रेस वे हमारे बनेंगे उसके आसपास इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। ये जितने बड़े एक्सप्रेस वे है, बहुत बड़ा केंद्र बनेंगे जिसके माध्यम से वहां पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, औद्योगिक पार्क बने, इन्वेस्टमेंट हो। जैसे मैंने कहा कि 6 हम लोग ऐसे 30,000 करोड़ रुपए की लागत से धनवंतरी सर्जिकल इक्विपमेंट के, मेडिकल इक्विपमेंट के ऐसे पार्क बनाएंगे जहां मेडिकल इक्विपमेंट को बढ़ावा मिले। इसी तरह से पीएलआई स्कीम्स के जो टेक्सटाइल है और बाकी सेक्टर्स है, मोबाइल में यहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट आई उत्तर प्रदेश में, ऐसे बाकी सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट आएगी। उसमें से टेक्सटाइल बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लाखों लोगों को रोजगार केवल उत्तर प्रदेश में ही देख रहे हैं। सपा के अध्यक्ष ने कहा कि बैलेट से कुछ होने वाला है, बैलेट पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दो, क्योंकि लोग उनको वोट नहीं दे रहे थे। आज ईवीएम पर कमल का बटन लोग दबा रहे तो उनको दर्द होना शुरू हो गया। जब जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव हारा, विपक्ष ने चुनाव हारा, ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ने का काम किया। यह संकेत दे रहा है कि सुपड़ा साफ, उत्तर प्रदेश से इनका होने वाला है, ईवीएम में कमल का फूल ही खिलने वाला है।